कैसे हमें यूट्यूब से अर्निंग जो है वो मौसूल होती है। तो एक एक चीज ए टू जी में आपको हर एक चीज बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखी तो विद इन 30-40 मिनट आप लोग फुल यूट्यूब का कोर्स जो है वो सीख लेंगे और फुल यूट्यूब पे काम करना सीख लेंगे। उसके बाद काम करना आपके बस में है, काम करना आपके आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अर्निंग घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। साथ साथ आप लोग जॉब करते हैं, साथ साथ ये पार्ट टाइम आपका जस्ट स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब आपकी एक दफा वीडियो बन जाती है, कुछ वीडियो चल पड़ती है, आप सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो फिर आप वीकली एक दो वीडियो भी अगर बना दें तो फिर आपका चैनल जो है साथ साथ ग्रो करता जाता है। इट मीन कि आप ये पार्ट टाइम जॉब होगी, लेकिन ये पार्ट टाइम जॉब में भी आपकी जो आप लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको अर्निंग यहाँ से हो जाए। अब ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी जो आपके जो आपने काम किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कंसिस्टेंट रह के काम किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा वो मैं वन बाय वन पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट टॉपिक टाइटल एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साथ ही वीडियो अगर आपको पता है कि हम लोगों ने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, आपका यूट्यूब चैनल पहले से बन चुका है और आप ये समझ रहे हैं कि अब चूंकि पहले 10-15 मिनट अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से मैं वीडियो देखना स्टार्ट करूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर चीज टाइम के साथ साथ बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, देन इस टाइम पे मैं दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे काम की कौन कौन सी चीज है और हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि यूट्यूब पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, फिर आप पूरी की पूरी वीडियो देखें, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको यूट्यूब पे काम करने का तरीका पता भी है तो फिर भी पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो मे भी कोई नई चीज आपको यहाँ पे मिल जाए, कोई एक नया आइडिया में कोई नया आपको एक चीज मिल जाए जिसकी जरूरत आपकी वीडियो जो है वायरल हो सके। तो आप स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने जीमेल का अकाउंट कैसे बनाना है, देन जीमेल के अकाउंट के थ्रू आप लोग यूट्यूब पे चैनल कैसे बना सकते हैं, देन उसके बाद यूट्यूब के चैनल की फुल सेटिंग, प्रॉपर एक सेटिंग जिसके थ्रू आपका चैनल जो है वो सर्च इंजन में भी आ सके, और देन अगर वहां पे आप काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वहां पे रैंकिंग में भी आपका चैनल जो है आ सके। देन उसके बाद YouTube बीटा स्टूडियो जो के YouTube का बीटा वर्जन है वहां पे काम हो रहा है। कुछ टाइम पहले ही YouTube ने साल ही हुआ है उसके, उससे पहले आपका YouTube का जो पुराना वर्जन था उसके थ्रू आप लोग वीडियो अपलोड किया करते थे, अब नया एक वर्जन आ चुका है। तो अगर आप लोग पहले काम करते थे लेकिन अभी आपको ऐसा इसके खिलाफ मसला आ रहा है तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारा चीज भी समझा दूंगा और वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपनी वीडियो को देख सकते हैं, हमारी वीडियो किस किस कंट्री में देखी जा रही है, हमारी वीडियो किस टाइम पे देखी जा रही है और वीकली किस कितनी देखी जा रही है, मंथली उसकी क्या रैंकिंग है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने वीडियो को अपलोड कैसे करना है हम लोग इस बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद अपलोड सेटिंग जो है हमारे पास, लाइक अपलोड करते हुए जो हमें टाइटल रखना है वो कैसे रखना है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिखी है वो क्या क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हम लोगों ने किस तरह हम लोग टैग यूज कर सकते हैं, उसमें किस तरह हम लोग जो हमारे पास हैश टैग है वो कैसे यूज करेंगे, देन उसके बाद जो वीडियो के टैग होते हैं वो हम लोगों ने कैसे यूज करने हैं और कहाँ कहाँ से ढूंढ के हम लोगों ने अपनी वीडियो के टैग जो है वो लिखने हैं। देन उसके बाद वीडियो की एंड स्क्रीन में जो आपको, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी हो तो आपको एंड पे बिल्कुल कुछ वीडियो के और सजेशन आ जाते हैं कि ये वीडियो भी आपके देखने के काबिल है, वो हम लोग कैसे लगाते हैं। उसके बाद आपके यूट्यूब के जो कार्ड्स होते हैं वो हम लोग कैसे लगाते हैं, देन यूट्यूब की जो विजिबिलिटी होती है लाइक पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड, इन तीनों में क्या फर्क है और हम लोग ये कब यूज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो यूट्यूब का जो स्केड्यूल हम लोग कर सकते हैं कि आज हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दी लेकिन हम चाहते हैं कि वो वीडियो आज से दो दिन बाद इस स्पेसिफिक टाइम पे लोगों के सामने शो होनी चाहिए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देन जो यूट्यूब का थंबनेल है, लाइक जो आप थंबनेल आप किसको कहते हैं, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है मेबी आपको समझना है, तो आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई नजर आती होगी, लाइक इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है, तो इस तरह का थंबनेल मेबी यहाँ पे शो हो रहा है और आप एकदम से उसको क्लिक करते हैं। अब वो वीडियो में आपको ऐसा उसको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो वीडियो का पार्ट हो भी सकता है और पार्ट नहीं भी हो सकता, तो आप लोगों ने वो एज अ इमेज वो शो हो रहा होता है, तो वो हम लोगों ने कैसे बनाना है
वो साफ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल के साथ थंबनेल बनाना, देखते हैं अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम मैं डिटेल में बनाना भी सिखा दूंगा आपको। अगर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो वीडियो एडिट करनी है वो एडिट हम लोग किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है हम लोगों ने, तो वीडियो की एडिटिंग देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने अब वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूज हैं वो भी इंक्रीज हो और साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो व्यूज कैसे इंक्रीज होते हैं, सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज होते हैं, वो मैं आपको टिप्स बता दूंगा, उन पे अमल करना आपको काम है। इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके व्यूज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर देन आप वहां से अर्निंग भी कर सकते हैं। अब अर्निंग आप लोग कैसे करेंगे, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या क्या है, हम लोग कैसे अपना YouTube चैनल जो है मोनेटाइज करवा सकते हैं। देन उसके बाद YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उसके बाद हम लोगों ने कैसे अर्निंग करनी है, जब अर्निंग कितनी हमारी हो जाएगी और हम देन वो अर्निंग हमें मिलेगी, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम गूगल एडसेंस अकाउंट। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको तो जस्ट टाइटल सुन के इतना तो पता लग गया होगा कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज को साथ साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह अगर ये आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपको यूट्यूब पर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप ये जो 5-5, 6-6 हजार के कोर्स करते हैं वो जस्ट आप विद इन 30 to 40 मिनट्स ये सारे का सारा कोर्स सीख लेंगे। जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी आपको कोर्स में भी वो एक चीज जो मैं आपको 10 मिनट में सिखाता हूँ वो आपको घंटे में सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, हम जस्ट वो 5-6 हजार जो आपका कोर्स सेल कर रहे हैं तो जस्ट 30 मिनट्स की वीडियो बना के आपको क्योंकि सेल नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक सारी चीजें बता दूंगा। दर्ज के बाद आपकी आपकी मेहनत पे है कि आपकी अर्निंग में भी हमसे ज्यादा हो सकती है। अगर आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी अर्निंग जो है जिससे आपने सीखा है उससे भी ज्यादा जा सकती है। ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेहनत कितनी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं सिस्टम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं आपको थ्रेडिंग की चीजें बताता रहूंगा तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली मैं साथ साथ परफॉर्म करके आपको बताऊंगा और साथ साथ आप भी अपने सिस्टम में परफॉर्म करते रहे वो चीजें, तो आप इंशाल्लाह विद इन 30 to 40 मिनट्स आप लोग यूट्यूब का मुकम्मल कोर्स कर चुके होंगे और यूट्यूब के गुरु आप लोग बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जो भी न्यू वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा और आप उसी वक्त वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस है, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाता भी रहता हूँ, आप लोग चैनल पे जाके देख भी सकते हैं कि हम लोग ने अगर पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना है तो कैसे वहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस जो हम लोग ने करने हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे से रिलेटेड फेसबुक से रिलेटेड फेसबुक से हम लोगों ने कैसे अर्निंग करनी है, कुछ वीडियो मेरी अपलोड हुई है साथ वक्त में वीडियो अपलोड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई इंशाल्लाह कोई ऐसा कोई नुकसान साबित नहीं होगा, यहाँ से इंशाल्लाह कोई ना कोई फायदा आपको लाजमी मिलेगा। तो आप चलते हैं सिस्टम की तरफ, वहां पे जाके देखते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे काम कैसे करना है और वहां से हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। चलो हम लोग अपने सिस्टम पे आ चुके हैं, सिस्टम पे आने के बाद जो भी ब्राउजर आपने इंस्टॉल किया होगा लाइक गूगल क्रोम है, मोजिला है आपके पास, ओपरा है, वो ओपन करके देन आप यहाँ पे google.com जो वेबसाइट उम्मीद है कि हर एक को पता होगा ये आपने ओपन कर लीजिए। देन जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, आप यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट अपना बनाना है गूगल का, क्योंकि YouTube पे काम करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी लाजमी होना चाहिए, तो आपने जीमेल आईडी बना लिया, यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करेंगे। देन जीमेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा कि यहाँ से आप लोग साइन इन हो सकते हैं, ठीक है। ईमेल और फोन आप ये सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे पास अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ, पहले हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप तो किस काम के लिए अकाउंट जो है बना रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, हम लोग जस्ट अपने लिए काम कर रहे हैं, अभी तो हम इतना बिजनेस स्टैब्लिश हुआ नहीं है, तो फॉर्म सेल कर लेते हैं। देन अब यहाँ पे वो नाम पूछता है आपसे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको क्लिक करके मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सुहेल अहमद। देन अब यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, ठीक है।
तो यूजर नेम मीन्स के जो आपकी जीमेल आईडी होगी वो आपसे ये मांग रहा है। तो आप अगर यहाँ पे जो भी आपका लाइक हम लोग यहाँ जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं प्रैक्टिस के नाम से चेक करता हूँ, अब practice@gmail.com, तो that user name is taken, try another, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रैक्टिस तो जस्ट सिंपल है, ये आईडी पहले से बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस या फिर हम लोग यूट्यूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, यूट्यूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस यूजर नेम इज नॉट अलाउड, तो अब ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आईडी बनाते हुए मैं जस्ट ये कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आईडी बनाते हुए साइड इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आईडी बनाते हुए आपको कोई मुश्किल आ सकती है। तो मैं भी यहाँ पे अगर ये चीजें कट कर देता हूँ, आप लोग देखें तो कहीं यार वहां पे एकदम से आईडी बन गई कि मैं आईडी बना रहा हूँ तो आईडी वो अलाउ नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसे नाम पता है कि मे भी मैं वो लिखूंगा तो वो एकदम से आईडी बन जाए। लेकिन मैं जस्ट ये कोर्स जो है बना रहा हूँ बिगनर लेवल के लिए, और ये अकाउंट क्रिएट करना मेरे ख्याल में आजकल 60% लोगों को पहले से ही आता है। अगर मैं सिखा रहा हूँ तो जस्ट 40% लोगों के लिए सिखा रहा हूँ ताकि वो भी सीख जाए और उन्हें भी पता हो कि हम लोगों ने काम कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे YouTube प्रैक्टिस जो है वो अलाउ नहीं आ रहा, तो हम लोग जस्ट जस्ट प्रैक्टिस अगर लिख लें तो अच्छा, ये जस्ट प्रैक्टिस जो है ये भी पहले से टेकन है। अब ये हमें सजेस्ट कर रहा है जस्ट प्रैक्टिस 330, तो जस्ट प्रैक्टिस 01 अगर मैं करता हूँ, चेक करते हैं अगर ये अलाउ है, ये भी ऑलरेडी टेकन है, हम लोग इसको 10 करके देख सकते हैं। तो इस तरह कुछ चेंजिंग आप लोग बार बार करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो अलाउ कर देगा। अब इसका यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस 10 किया मैंने तो ये अलाउ कर दिया इसने, ठीक है। तो हमारे पास जो आईडी बनेगी जस्ट प्रैक्टिस 10@gmail.com, तो ये हमारी आईडी जो है वो बन जाएगी। अब वो कह रहा है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो पासवर्ड कह रहा है कि पासवर्ड अपना आप लोगों ने क्या रखना है। तो पासवर्ड ये अब नीचे आप लोग हिंट्स देखते हैं कि यूज 8 or more characters विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर एंड सिंबल्स। तो जो बेस्ट पासवर्ड होता है हमारे लिए वो क्या होता है कि हम लोग मिक्स एक मिक्स लाइक लेटर भी हो, अल्फाबेट्स भी हो, डिजिट्स भी हो, उसमें सिंबल भी हो, तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक सिंपल सा भी फिलहाल चूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड है वो रखना है ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने, कोई हैकर आपका अकाउंट अगर अल्लाह करे आप लोग मेहनत करते हैं आपका यूट्यूब अकाउंट जो है वो एक अच्छा बन जाता है, वहां से अर्निंग आप लोगों को अच्छी मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो देन आप लोगों का जो अकाउंट है वो हैक होने से बच सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं पासवर्ड चूज करता हूँ लाइक 123 और देन ABC और देन 890 कर दी, देन अगेन 123। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों ने वही पासवर्ड लिखना है, ठीक है। तो 123 ABC 890 शो पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, देख लेते हैं कि हमारा वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो 123 ABC 890 123 ABC 890 इट मीन्स कि वो मैच हो रहा है हमारा। देन हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं। तो मैं ये रिकमेंड आपको यही करूंगा क्योंकि ये जो आप आईडी बना रहे हैं ये आप जस्ट यूट्यूब पे काम करने के लिए बना रहे हैं। इस आईडी के थ्रू आप लोग किसी को मेल सेंड भी कर सकते हैं, वहां पे चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इस आईडी के थ्रू आप लोगों को चैटिंग वगैरह करनी है किसी और आईडी के थ्रू कर ले। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ये आईडी और ये जो आपका पासवर्ड है ये जस्ट अपने तक ही रखें, किसी और बंदे को मत बताएं, ठीक है। जस्ट एक जो मेरी दूसरी वीडियो है जहां मैंने ऑनलाइन काम करने वालों को जस्ट एक खासा मशवरा दिया था वो ये थी कि आप ये आईडी और पासवर्ड जो है वो कम से कम एक बंदे को लाजमी पता होना चाहिए। वो उन लोगों के लिए था जो कि बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। आपका भी ऐसे हो सकता है आप लोग किसी ने किसी को बता दें, क्योंकि खुदा खासा अगर आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो सकता है ना जिंदगी में, तो अगर कुछ हो जाता है तो आप कम से कम वहां से आपका आईडी पासवर्ड किसी और को पता हो, किसी फैमिली मेंबर को, तो वो आगे उस यूट्यूब चैनल को लेके आगे चल सकते हैं। तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि जो आपकी अर्निंग आ रही है वो अर्निंग उनको मिलती रहेगी, अदरवाइज आपके जाने के बाद आपका यूट्यूब चैनल जितनी आपने मेहनत की थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपकी अर्निंग अकाउंट में तो आती रहेगी लेकिन वो किसी को फिर मिल नहीं सकेगी, तो ये मसला आ जाएगा। तो कम अज कम एक बंदे को जिसपे आप फुल ट्रस्ट करते हो, लेकिन अभी क्योंकि जस्ट आपका बिगनर लेवल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल इस लेवल पे तो अभी साल दो साल आप मेहनत करें शक न बताए, अगर अकाउंट में आपके $100-200 आ भी जाते हैं तो वो जस्ट आपके 10-15 ही बनते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन जब लाखों में बात जाती है तो फिर आपको कम अज कम ये सोचना चाहिए कि किसी एक फैमिली मेंबर को आपका अकाउंट आईडी जो है और पासवर्ड किसी ना किसी को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देन वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो
फोन नंबर क्या है वो आपका, क्योंकि वो वेरीफाई करेगा, और इस फोन नंबर के थ्रू लाइक आपका पासवर्ड बाद में अगर हैक भी हो जाता है तो इस फोन नंबर के थ्रू आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप अगर अपना फोन नंबर लिखते हैं, जो भी आपका फोन नंबर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना फोन नंबर, अच्छा देन फोन नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने एक ईमेल लिखनी है, वो ऑप्शनल है। अब ये इसलिए होती है कि अगर आपकी जो फोन नंबर है वो लाइक आपका जो नंबर है वो उस टाइम जब आपकी ईमेल जो है आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप फोन नंबर के थ्रू भी उसको रिकवर कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑप्शनल है तो अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। आप लोगों ने लिखनी होगी तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि जब मैं आपको ईमेल बनाना सिखा रहा हूँ तो मे भी आपके भी और ईमेल हो ही ना तो आप यहाँ परेशान हो जाएंगे। अभी जब मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो आपकी बर्थडे है वो लिखनी है, जो भी यहाँ पे जब मैं डमी बर्थडे कोई भी चूज कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आप लोगों ने डे लिखना है तो यहाँ पे डे लिखते हैं, देन यहाँ पे ईयर आप लोगों ने लिखना है तो ईयर आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, जो भी आप लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं आप फीमेल है तो फीमेल चूज करेंगे, मेल है तो आप लोग मेल चूज करेंगे। देन उसके बाद अगेन आप लोग नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे साइट आने कंडीशन पड़ी हुई है, ये आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ से पढ़नी हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ना भी पढ़े तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आइए ये कर देंगे, देन ये आपका पेज जो है इट मीन लोड हो रहा है, इट मीन कि आपकी जो आईडी है वो बन गई है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, समटाइम ये आ जाता है तो आप यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक ट्राई अगेन या फिर साइन आउट, तो ट्राई अगेन हम लोग कर लेते हैं। अगर आपका साइन आउट हो भी जाता है यहाँ से मसला आ जाता है तो जस्ट लोडिंग हो, इट मीन कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो बन गई है, ठीक है। अगर ना ही बने तो आप दोबारा ये प्रोसेस समटाइम हो जाता है, कोई आप ये समझ लें कि आपका 100 में से 10 टाइम या 1 to 2 टाइम आपको ये एरर आ सकता है, लेकिन नहीं आता, ज्यादातर ये हो ही जाता है, लेकिन वो अगर एक दो बंदों में से जस्ट आप ही एक दो बंदे हैं तो दोबारा से वही आप प्रोसेस करेंगे तो आपकी आईडी जो है बन जाएगी। अब ये आपकी आईडी जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सुहेल अहमद भी आ रहा है, just30010@gmail.com, ये आपकी आईडी बन गई है। अब ये आईडी आप यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं, यहाँ से आप साइन आउट अगर होते हैं तो क्योंकि आपके एक दफा अगर आप ब्राउजर बंद कर देते हैं या फिर आप यहाँ पे खत्म हो जाती है तो फिर आप कैसे होंगे। अब आप लोगों ने आपकी एक दफा आईडी बन चुकी है, आप मैं यहाँ पे अगर गूगल ओपन करता हूँ तो आप अगेन आप लोगों ने जीमेल पे आने की जरूरत नहीं है, या फिर जीमेल पे या साइन इन पे दोनों पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। जीमेल पे क्लिक करें तो आपके पास वही पेज दोबारा आ जाएगा, ये पेज आ चुका है, ठीक है। आप सपोज के यहाँ से एक ये है कि आपके पास जब ये पेज आएगा तो आपकी आईडी जो है वो लिखी हुई भी आ सकती है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आपके पास ये आईडी लिखी हुई है, ये 10 31 10 अगर लिखी हुई आती है आप उसको क्लिक करेंगे इधर साहब से हमारे पासवर्ड मांगेगा। अगर लिखी हुई नहीं आती तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वहां पे वीडियो में लिखी हुई आ रही थी, हमारे पास लिखी हुई नहीं आ रही, आप क्या करें। तो लिखी हुई नहीं आती तो आपके पास ये पेज जब आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो आईडी थी वो आपने खुद से लिख लेनी है, 10 31 01। तो अब आप क्योंकि यहाँ पे गूगल पे ही दोबारा ओपन कर रहे हैं तो गूगल पे जो भी आईडी आप ओपन करते हैं वो मस्ट है कि @gmail.com ही होती है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप लिखेंगे तब भी ठीक है, ना लिखेंगे तब भी ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस सॉरी 10 का तो 10 लिख के हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया। देन अभी पासवर्ड था हम वो लिख देंगे 123ABC890। अब ये पासवर्ड किसी को बताना नहीं है, वैसे क्योंकि यहाँ पे जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस वजह से आपको ये मुसाफर बता भी रहा हूँ। मैं ये काम करने के बाद ये अकाउंट जो है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग ये अकाउंट बाद में यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, देन नेक्स्ट कर देंगे। तो अब ये आपसे यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप लोग जो रिकवरी नंबर है या फिर आप रिकवरी ईमेल आपने दी नहीं है तो आप लोग पहले कन्फर्म कर लें, तो आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर लें, देन आपकी आईडी जो है ओपन हो गई है, आपके पास गूगल अकाउंट जो है वो बन गया है, ठीक। तो आपका गूगल अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद अब आप लोगों ने यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोग यूट्यूब की वेबसाइट पे आएंगे,
ये आपके पास YouTube की वेबसाइट ओपन हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है। साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका जो गूगल अकाउंट था वो इस साइट पे आपका ओपन था, तो आपका ये आपका YouTube जो है वो गूगल की ये एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको दोबारा से साइन इन होने के लिए नहीं कहेगा। जब आप साइन इन पे क्लिक किया तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे justpractice10@gmail.com ही लिखा हुआ है। अब देन आप लोगों ने क्रिएट अ चैनल इस पे क्लिक कर दिया, तो फिर ये आप लोग कैसे आया, यहाँ पे जो आपके पास ये आइकन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्रिएट अ चैनल आ गया। ठीक है, तो योर क्रिएट अ चैनल बिगिन। आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप गेट स्टार्टेड। उसके बाद अब आप ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने जो आपका नाम है यूज योर नेम, कि आप लोगों ने चैनल बनाना है अपने नाम का ही बनाना है, या फिर आप लोगों ने चैनल का नाम और नेम कस्टम हो सकता है, मीन की कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर कस्टम नेम कुछ और यहाँ भी इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका सुनील अहमद के नाम से ही ये चैनल बन जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन अब ये आपसे चैनल का नाम मांग रहा है कि चैनल का नाम आप लोगों ने क्या रखना है। मैं चैनल का नाम भी जस्ट हम लोगों ने प्रैक्टिस के नाम से रखा था, हम वही रख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आई अंडरस्टैंड, ये आप लोगों ने सारा कर लेना कि आज हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यूट्यूब जो जितने भी अकाउंट प्लेसेस होती हैं वो हम उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट कर देना, आपका एक चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब चैनल क्रिएट करने से पहले आपसे आपके फोन नंबर पे ये वेरीफाई करेगा कि आप चैनल जो है क्रिएट कर रहे हैं। वेरीफाई करने का फायदा भी है कि आप लोग जब बात थंबनेल जो अपलोड करते हैं वो अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आप लोग थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप लोग नंबर लिखते हैं, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे लिख लीजिए। देन आप लोगों ने टेक्स्ट मैसेज रिसीव करना है या फिर कॉल रिसीव करनी है, तो टेक्स्ट मैसेज मैंने रिसीव करना है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो इस नंबर पे मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जो कि वेरिफिकेशन कोड होगा। तो कुछ टाइम भी लगा सकता है, लेकिन ये टाइम सब बहुत कम ही लगाता है। अगर ये टाइम लगाता है जिस तरह भी तक मुझे मैसेज नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, अगेन ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू कर दें आप। अब ये जो मैसेज आया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ये जो मैसेज आया है ये किसी को बताना नहीं, अदरवाइज सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ये हाइड किया हुआ है ताकि आपको कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा इश्यू क्रिएट ना कर सके। कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद अब यहाँ पे चैनल सक्सेसफुली क्रिएटेड, मीन की आपका चैनल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब देन ये आपसे कह रहे हैं कि अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आप लोगों ने कई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है तो वो यहाँ पे जस्ट ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जस्ट अभी यहाँ पे डमी में कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, जस्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जब उसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे टेल मी अबाउट योर चैनल, तो आप लोग यहाँ पे किस मकसद के लिए आप लोग चैनल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मकसद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सिंपल सा लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोच के, ताकि वो डिस्क्रिप्शन अगर बंदा पढ़ता है तो वो आपके चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। तो वही एजुकेट द पीपल अबाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। देन उसके बाद एड लिंक टू योर साइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास नहीं है ऐसा, कोई वेबसाइट भी नहीं है अभी, हमारा फेसबुक पेज भी नहीं बना हुआ, ट्विटर अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम हमारे पास नहीं है, तो फिलहाल हम इसको सेटअप बेटर कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू फिलहाल कर देते हैं, बाद में ये साइट हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुके, आप यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा नो सब्सक्राइबर भी लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर आप सब्सक्राइबर जो है अपने, अब ये नो सब्सक्राइबर जो है वो अगर कोई बंदा आपका चैनल विजिट करता है तो उसको भी नजर आएगा जीरो सब्सक्राइबर, तो अगर आप लोग ये हिडन करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो भी हम साथ साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट जो था अकाउंट जीमेल क्रिएशन का था वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, यूट्यूब चैनल क्रिएशन का था वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब देन नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन थी वो क्या थी, यूट्यूब बीटा स्टूडियो, यहाँ पे हम लोग चैनल कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूट्यूब बीटा स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं डैशबोर्ड, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं हुआ तो आपको ऐसा कुछ शो नहीं होगा, या फिर आप लोग कुछ पहले वीडियो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यूट्यूब वीडियो स्टूडियो के बारे में बता रहा हूँ, वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो स्टूडियो के बारे में मैं आपको अपने चैनल पे लेके जाके वहां पे जो वीडियो पहले से पड़ी हुई है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, तो वहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो अभी जो हमारा जस्ट यूट्यूब वीडियो स्टूडियो में काम है वो हम लोग जस्ट ये कर लेते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन में आएंगे सेटिंग पे, तो अब यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि जो भी आपकी अर्निंग होगी वो किस तरह शो होनी चाहिए, यूएस डॉलर में शो होनी चाहिए, अगर आप पीकेआर में आते हैं तो आपको पीकेआर में भी शो हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपीज में शो हो जाएगी, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करें। ठीक है, हम यहाँ अगर पीकेआर में शो करनी है तो आप लोग यहाँ पे ये पाकिस्तानी रुपए की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब जो भी आपकी अर्निंग होगी वो पाकिस्तानी रुपीज में शो होगी। ठीक है, ये बात का काम है, अभी जैसे आपको सेटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद चैनल पे आप आ जाए, तो अब चैनल पे आपके चैनल का नाम जो था जस्ट प्रैक्टिस था, ये यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो कंट्री है वो कौन सी रखनी है, तो आप लोगों ने कंट्री जो रखनी है वो यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री होगी वो आप लोग रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान है क्योंकि, तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप करके यहाँ पे पहले जस्ट क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट पी प्रेस करेंगे तो आप पाकिस्तान पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी पी से आपका पहला कंट्री यहाँ पे आ जाएगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो पाकिस्तान क्लिक किया हम लोगों ने। देन उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कुछ कीवर्ड ऐड करें, कीवर्ड में क्या है कि आपके चैनल से रिलेटेड जितने भी आपके पास आप कह सकते हैं की वर्ड मीन के आपके चैनल रिलेटेड जितने भी नए, लाइक आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाइक पोल्ट्री से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपके पास ब्रॉयलर चिकन हो सकते हैं, आपके पास गोल्डन मिशी चिकन हो सकते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे पोल्ट्री से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे पोल्ट्री कर लेंगे की वर्ड, देन गोल्डन मिशी कर सकते हैं आप लोग, देन ब्रॉयलर कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा बिजनेस यही है तो मैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों का जो भी बिजनेस होगा आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में आते हैं, तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो आप लोगों ने देखना है कि आपका चैनल जो है किड्स के लिए या फिर किड्स के लिए नहीं है, तो अगर किड्स के लिए है तो यस सेट द चैनल एज मेड फॉर किड्स, वो किड्स के लिए, अदरवाइज नो कर दें, मोस्टली नो ही होता है, आप लोग नो कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे ये बार बार आपसे पूछेगा, तो आप लोग एक टाइम ही इसको नो कर देना कि ये बार बार आपसे पूछेगा। देन नीचे आप आएंगे तो आपके पास अब यहाँ पे ये देखें सब्सक्राइबर का डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो मैं आप पहले बात की थी वहां पे नो सब्सक्राइबर लिखा हुआ आ रहा था, तो अगर आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देते हैं अब आपके जो सब्सक्राइबर होंगे वो वहां पे हिडर हो जाएंगे, जस्ट आपको नजर आएंगे किसी और का नजर नहीं आएंगे, तो इसका ये फायदा जब आपके पास सब्सक्राइबर कम होते हैं तो उस वक्त आप उसको हिडर कर दें शायद, क्योंकि असल में मसला ये है कि आजकल जो लोग हैं वो आपके सब्सक्राइबर के बेस पे भी आपके सब टाइम चैनल को देख रहे होते हैं, अगर आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है वो देखते हैं कि चैनल बहुत ज्यादा ग्रो किया हुआ है, एटलीस्ट चैनल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक ट्रेंड पॉइंट पे गए तो आप इसको स्टार्टिंग में जो है वो इसको रिटर्न करने को ज्यादा बेस्ट होगा। देन इसको मैंने अनचेक कर दिया, अब नीचे आ जाए तो ये आपके पास डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स है, इट मींस कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका अर्निंग वाला जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा, तो ये जो है अगर इस पर आप क्लिक करते हैं इट मींस कि आप यहाँ से अर्निंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब वीडियोस पे एड ना आए, तो इसको आप लोगों ने अनचेक ही रखना है, अगर आप लोगों ने यूट्यूब से अर्निंग करनी है अनचेक कर देंगे, देन उसके बाद आप लोग इसको सेव कर दें, फीचर एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास तो अब यहाँ पे आप देख लेंगे आपके पास डिफॉल्ट फीचर में क्या क्या था, वीडियो अपलोड करनी थी, क्रिएट प्लेलिस्ट करनी, प्लेलिस्ट क्या होती है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, जो फुल वेरिफिकेशन मैंने की थी उसमें आपको बताया था कि आप लोगों ने थंबनेल यूज करना है, अगर आप फुल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप थंबनेल जो है वो खुद से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों आपके पास डिजी बार हो चुके हैं, देन सेव पे क्लिक कर लेते हैं आप लोग, अब आपकी चैनल की जो सेटिंग थी जो मेन सेटिंग थी वो हो चुकी है, देन अब हम लोगों ने कुछ ना कुछ वीडियो अगर अपलोड करनी है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर ऑप्शन भी आ जाए, तो
यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो शो होगी अगर आप लोगों ने भी वीडियो अपलोड की हुई है तो। अभी क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई तो आप लोग अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वीडियो आप लोगों ने ओपन करनी है वो यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोग में आपको यहाँ पे अपने जो सिस्टम है जो आप हमारे पास फोल्डर है वहां पे जाकर बताए दो कि वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों ने उस पर क्या क्या सेटिंग करनी है ताकि वीडियो अपलोड करते हुए भी आपकी जो वीडियो है वो अच्छी से अच्छी रहे। तो अब यहाँ पे अपने फोल्डर पे आता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें वीडियो में आई तो मेरे पास ये वीडियो पड़ी है बेस्ट फोर वेज टू सेल गोल्डन मिस्ट्री हैं चिक्स देसी मुर्गियों का बिजनेस हाउ टू स्टार्ट फार्मिंग। तो ये मैंने एक वीडियो का टाइटल रखा हुआ था। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सेव करना है, कॉपी करना है, देन उसके बाद आप लोग इस वीडियो की प्रॉपर्टीज में आएंगे, देन यहाँ पे आप लोग डिटेल में आना है और यहाँ पे टाइटल में इसको पेस्ट कर देना है। टाइटल में हो गया, नेटिंग में हो गया, टैग्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ टैग यही आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी गूगल की जो सर्च होगी, यूट्यूब की जो सर्च होगी वो आपकी इस टाइटल की बेस पे हो जाएगी। जब गूगल की सर्च होती है वो आपकी जब प्रॉपर्टी पे जाकर लिखेंगे तो वहां पे वो सर्चिंग हो रही होती है। अब ये जो है वो मैंने खुद भी किसी से सुना हुआ है, जब मैं ये काम सीख रहा था उस वक्त मैंने ये सुना था। अब इसके बारे में कंफर्म बहुत ज्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब एक चीज सुनी हुई है और ये चीजें है भी तो जस्ट एक आध मिनट ही लगता है हमारा, ये चीजें हमें स्टार्टिंग में कर लेनी चाहिए। देन अब ये वीडियो हम लोगों ने अपलोड करनी है डिस्पोज किया, तो आप लोगों ने करना क्या है, अब फर्ज किया आप लोगों ने यही वीडियो अपलोड करनी है तो आप लोग अगेन वेबसाइट में आएंगे, ये जो आपके पास एरो का साइन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन शो ऑल फाइल्स। तो अब यहाँ जब जहां पे भी आपकी वो वीडियो पड़ी है उस फोल्डर पे आपने इस साइड से आना, तो हम लोग डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप यहाँ पे क्लिक किया तो हम लोग डेस्कटॉप पे वीडियो रखते हैं ताकि वो वीडियो हमें इजीली मिल जाए। अगेन मैं अपने फोल्डर पे आता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और देन डेस्कटॉप में आके यहाँ पे इसको पेस्ट करें। तो आपके पास ये वीडियो आ गई है, देन अगेन हम लोग अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे शो ऑल फाइल्स और देन डेस्कटॉप पे आपके पास यहाँ पे ये वीडियो पड़ेगी, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने वीडियो अपलोड की तो आपके पास ये एक टाइटल है, यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल जो बेस्ट लिखना होता है वो कैसे हम लोग चूज करते हैं अभी आपको सिखाता हूँ। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है आपके पास, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग थंबनेल अपलोड करते हैं, देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये जो हम लोगों ने चूज किया था यस इट्स मेड फॉर किड एंड नो इट नॉट मेड फॉर किड, ये पहले से आपका नो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये फायदा हो गया, ये हम हर दफा में बताना नहीं पड़ेगा। देन मोर ऑप्शन में आएंगे आप लोग तो नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ टैग हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस साइट के लिए चूज करेंगे। अब टाइटल हम लोग चूज कर रहे हैं, टाइटल हम लोग कैसे बनाएंगे, हमें ये बताना चाहिए कि हमारी वीडियो किस पर्पस के लिए और किस टॉपिक के बारे में, देन हम हमें टॉपिक जो टाइटल हम कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आप क्या करेंगे, यहां से YouTube पे आ जाएंगे, YouTube को ओपन करेंगे। तो अब मेरी वीडियो थी कि मैंने गोल्डन मिस्ट्री हैंड जो है वो सेल कर दी है और वहां मैंने उनके जो प्रोसीजर है वो बता दिया कि वहां पे हमने मैंने सेल गोल्डन मिस्ट्री हैंड। आपके पास यहाँ पे जो मुख्य टाइटल है वो आ जाएंगे लाइक गोल्डन मिस्ट्री फॉर सेल, देसी मुर्गी फॉर सेल। तो हमें ये पता है कि गोल्डन मिस्ट्री को देसी मुर्गी भी कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देसी मुर्गी फॉर सेल जो है तो कॉपी करके यहाँ पे कोड टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख करते हैं। देन उसके बाद हम लोग कुछ और चूज करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे अच्छा लगता हो, वो गोल्डन मिस्ट्री हैंड्स फार्मिंग ये आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेल करनी है तो आप गोल्डन मिस्ट्री फॉर सेल इसको भी आप लोग यहाँ पे आप कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, बाकी आप इस तरह यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं जो आपको बताने का था कि आप लोग इसी तरह ये चीजें जो है देख सकते हैं कि आप टाइटल कैसे चूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे जो जिस वीडियो के बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं अभी तो उससे आप लोग यहाँ से इसका टाइटल कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा मोस्टली और टूल भी है लेकिन अभी क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं मैं आपको टूल बताना नहीं चाह रहा, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
अभी बिगनर लेवल पे जस्ट इतना ही समझे कि आप लोग यूट्यूब से ही ये चीजें सर्च कर लिया करें। आप ये चीजें हम लोग देखनी है तो आप लोग देसी है फर्स्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट ईयर जब टाइटल मैंने चूज किया था क्योंकि मैं यहाँ पे चार तरीके कारों सेल करने के तो बेस्ट फोर वे टू सेल मॉडर्न हिस्ट्री है जी देसी मुर्गियों का बिजनेस तो ये जो है मैंने चूज कर लिया। ठीक है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने एग्जैक्टली यही चीज ये जब सामने आइडिया लिया है आपने देखी थी यही चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर देनी बल्कि इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा अपना एक आइटम बनाना है ताकि थोड़ा सा लगे भी कि आप लोगों ने अपना काम किया हुआ है। देन डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें लिखने उर्दू में लिखना है रोमन इंग्लिश में लिखना है जिस तरह आप लोग लिख सकते इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू destroy best four ways to save golden missing eggs। तो आप ये आप बाकी डिपेंड कर सकते हैं आप आगे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है अब देर उसके बाद आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताता हूँ। देन आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है हैश टैग भी लिखे तो यहाँ पे हैश टैग ये आपका हैश का साइन होता है शिफ्ट दबा के आप लोग जो आपके पास इस तरह का साइन होता है ये आप बटन देखते हैं कि आपका बटन किस डिजिट के ऊपर है। ठीक है मोस्टली ये 3 के ऊपर है मेरे कीबोर्ड में ये 3 के ऊपर है। आप शिफ्ट दबा के 3 का डिजिट प्रेस करेंगे तो आपके ये हैश टैग आ गया। देन आपने गोल्डन मिस्ट्री हैश सेव करनी है तो आप यहाँ पे गोल्डन मिस्ट्री जो है वो लिखेंगे इसमें स्पेस नहीं होती आपके पास या फिर अंडरस्कोर लिखते या फिर आपकी जहाँ जोड़ के लिखे देन इसी तरह आप लोग यहाँ पे मुर्गी लिखने कि ये आप हैश टैग यूज क्यों हो गए। अगर कोई यूट्यूब जो बंदा यूज कर रहा है वो अगर कोई मुर्गी लिखता है तो आपकी वीडियो चांसेस है कि सामने आ सकती है गोल्डन मिस्ट्री लिखता है तो आपकी चांसेस है कि सामने आ सकती है तो इस तरह कुछ टैग आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देर उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपके पास ये अपलोड थंब दे रहे हैं। अब थंब दे आप लोगों ने कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिखा। अब थंब दे आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अच्छा थंब नेल बनाने के लिए अगेन ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर वेरीफाई करके क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे आपके एक और से ओपन हो गया। अगेन आप लोग यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे पाकिस्तान ही है आपका कंट्री जो है देन टैक्स में वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आप लोगों ने अपना फोन नंबर लिखना है और देन सबमिट कर देंगे। ठीक है सबमिट कर देंगे तो आपको जो मैसेज है वो यहाँ पे आ जाएगा वो मैसेज आप लोग यहाँ पे लिखेंगे देन सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो थंबनेल है वो आप अपलोड हो सकते हैं आप शो चैनल पे आएंगे। अब जो पिक्चर है वो आप लोगों ने कैसे चूज करनी है वो क्योंकि अभी मैंने थंबनेल बनाया हुआ है जैसे आप लोग यहाँ पे भी अपना थंबनेल पड़ा है वो यही तरीका है कि आप लोग डेस्कटॉप पे अपना थंबनेल रख लें मुझे क्योंकि यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है मैं यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल पे आ चुका हूँ अब मैं ये काम कर लेता हूँ लेकिन जब बिगनर लेवल में बंदा होता है ये छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लग रही है तो आप उनकी सारी चीजें डेस्कटॉप पे रखेंगे देन काम करेंगे तो जो भी आपका थंबनेल होगा एक इमेज की तरह का होगा आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये थंबनेल आ जाएगा। थंबनेल बनाते कैसे है ये मैं आपको साथ साथ तरीके बताऊंगा आज की वीडियो में मैं बहुत ज्यादा डिटेल साथ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और थंबनेल बनाने की वीडियो खुद ही आपका घंटे की बन जाए तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिंपल से बता दूंगा लेकिन उसके बाद इस तरह का थंबनेल अगर आप लोगों ने बनाना है तो ये एक अलग वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग नीचे आएंगे तो आपके पास ये मोर ऑप्शन आ रहा है मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे हम लोग तो आपके पास ये टैग्स की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टैग्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है अगर टैग्स क्या होते हैं ये क्यों फायदेमंद होते हैं कि अगर कोई बंदा आपके टैग्स रिलेटेड कोई चीज सर्च करता है यूट्यूब पे तो आपके यहाँ पे वीडियो सामने आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने अगेन जहाँ पे वो सेल वर्ल्ड मिसिंग हैज लिखा यूट्यूब पे तो आपके पास ये बहुत सारे वीडियोज आ गए। अब देखें कि आपकी वीडियो से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे कुछ लिखा है तो ये वर्ल्ड मिसिंग हेल्प से यहाँ से कॉपी करें और देन यहाँ पे आप आगे कंट्रोल भी करेंगे या फिर आप इस तरह आके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप सारे पेस्ट कर सकते हैं। चार्ट और टीट सी के तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है क्योंकि बाद आपको पेज का पेस्ट करना पड़ेगा कॉपी होता है कंट्रोल सी से और पेस्ट होता है कंट्रोल बी से। देन नीचे आ जाए मिसिंग हेल्प फॉर सेल। अच्छा अब ये चीजें हैं जो कि लोअर टाइटल लिखे हुए
अगर हम यहाँ पे जस्ट देखे, आप यहाँ पे सर्च में ही गोल्डन मिस्ट्री लिखते, देखे क्या चीज आ रही है। गोल्डन मिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिखा, आपके पास क्या क्या आ रहा है, गोल्डन मिस्ट्री फार्मिंग इन पाकिस्तान, गोल्डन मिस्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग, गोल्डन मिस्ट्री एग प्रोडक्शन, मीन्स की ये चीजें सर्च हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही कोई भी बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो अगर वो ये चीजें लिखेगा तो उसके पास भी इसी तरह का कुछ डेटा आ रहा होगा। तो वो आप गोल्डन मिस्ट्री फार्मिंग इन पाकिस्तान क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि ये कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अगेन आप लोग यहाँ पे आ जाए, अगेन गोल्डन मिस्ट्री लिखे और देन गोल्डन मिस्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, इस पर क्लिक कर ले, इसको कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे और देन यहाँ पे आके कंट्रोल डी करेंगे। इस तरह के आपने जितने भी आपके पास यहाँ पे टैग आ सकते हैं, आप टैग में 500 सिलेक्टेड जो है आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अभी जस्ट चार टैग गए तो आपके 115 कैरेक्टर जो है वो होगी, तो ये साथ साथ आपको बताता जा रहा है। तो तकरीबन आपने 405,000 कैरेक्टर जो है यहाँ पे टैग आपने लगा दिए। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे साथ साथ आपकी वीडियो जो है अपलोड हो रही है, आपकी अपलोडिंग 82% हो चुकी है, ठीक है, 3 मिनट टैग यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास जब ये वीडियो अपलोड असल में हो चुकी होगी तो फिर ये नेक्स्ट वाला जो है वो आपसे काम करेगा। पहले आप इसको अपलोड होने देते हैं, ये 4% अपलोड हो चुकी है, अभी अपलोड हो रही है, तो अपलोड हो जाए तो देन मैं आपको नेक्स्ट जो कुछ है वो बताऊंगा। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग टाइटल कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, टैग कैसे लिखेंगे, थंबनेल हम लोग अपलोड कहाँ भी करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये फिलहाल हम लोगों ने देखा नहीं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो वीडियो के एंड पे आपके पास एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो सजेशन आ रही होती है या फिर कार्ड लगाते हैं, वो कैसे हम लोग लगाते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऐड एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन पे जो भी आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो में ऐड करनी है वो कैसे ऐड करनी है, रिपोर्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो आप क्योंकि असल में यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, हमारे पास यहाँ पर कोई वीडियो पड़ी नहीं हुई, तो आपके पास यहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा कोई वीडियो लगा नहीं सकते। जब आपके पास दो तीन वीडियो हो जाएंगी तो फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकेंगे। वो वीडियो ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे वीडियो शो होगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह दूसरी आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, जैसे ही वो एंड में लगती है तो आपके पास सजेशन में दो तीन वीडियो उसी वीडियो के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपके पास सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अब जिस तरह ये आप लोगों ने आपको समझ आ रहा होगा, जिस तरह ये वीडियो कुछ इस तरह के टेम्पलेट होते हैं। अब मैं इसको चूज अगर करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे इसको फर्स्ट में आप इसको जस्ट इसी तरह टेम्पलेट भी चूज करें, जब क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगा बेस्ट फॉर व्यूअर, और देन यहाँ पे आपके पास चैनल का जो सब्सक्राइब करने का लिंक है वो सामने शो हो रहा है, इसको सेव कर दें। ऐसे ऐसे इस पर काम करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। देन हम लोगों ने कार्ड्स कैसे ऐड करने हैं, आप लोग यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वन बाय वन कार्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे, अब अगेन क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वीडियो पड़ी नहीं हुई तो आप लोग यहाँ पे वीडियो जो है वो यूज नहीं कर सकते, अपनी वीडियो एनी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। तो हम लोग यहाँ पे वैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ गोल्डन मिस्ट्री, यहाँ पे गोल्डन दिखा गोल्डन मिस्ट्री हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, गोल्डन मिस्ट्री यहाँ पे वीडियो ज्यादा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट जब आपकी अपनी वीडियो होगी तो आपकी योर वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास अपनी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि अपनी वीडियो पड़ी नहीं हुई तो मैं आपको किसी और बंदे की वीडियो या सब लोगों ने यहाँ से यूट्यूब से ही गोल्डन मिस्ट्री दिखा, तो आपके पास यूट्यूब पे गोल्डन मिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है वो सारी सारी सामने आना शो होगी। तो अब यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वीडियो, अब जब आपकी वीडियो स्टार्टिंग से चलते चलते यहाँ तक आगे पहुंचेगी तो आपके पास ये ऊपर वीडियो के ऊपर इस तरह कार्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वीडियो शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपने यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए देखा भी होगा कि इस तरह कार्ड कुछ शो हो जाते हैं। ये इस तरह के ना आप जो कार्ड है वो 5 लगा सकते हैं अपनी वीडियो पे, कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 5 लगा सकते हैं। आपने कम लगा लिया तो आप लोगों की मर्जी है, वो कहाँ पे लगा दिया वो भी आप लोगों की मर्जी है। आप यहाँ पे फर्स्ट लगाया देन यहाँ पे आप लगाने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन अगेन कार्ड पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन अगेन यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करो आप गोल्डन मिस्ट्री। अच्छा, एक ही वीडियो के आप दो कार्ड नहीं लगा सकते, इनमें से आपके और वीडियो में सिलेक्ट नहीं पाएंगे, ये सिलेक्ट कर अब देन आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अब ये इस तरह आपके पास ऊपर टाइटल शो होगा, ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। देन अब आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं और प्ले लिस्ट भी लगा सकते हैं। प्ले लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास एक ही जगह पे बहुत सारी वीडियो इकट्ठी पड़ी होती है,
प्लेयर इसमें आपको एट द एंड ब्रदर सिखाता हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं। ये कार्ड आप लोग इस तरह लगा देंगे, उसके बाद पांच लगाने हैं आप लोग, अरे कम भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग पांच लगा सकते हैं। डर के बाद आप लोग सेव कर देंगे तो आपके पास ये कार्ड है वहां पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो प्राइवेट, आपके पास ऑप्शन आ रही है सेव और पब्लिश, प्राइवेट और लिस्टिंग एंड पब्लिक, ये तीन चीजें आपके पास आ रही है ठीक है। प्राइवेट का मकसद क्या है कि ये अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखें कि ओनली यू एंड पीपल यू चूज कैन वॉच योर वीडियो, कि ऐसी वीडियो अगर है कि आप चाहते हैं कि जस्ट ये वीडियो मेरे कुछ जो पार्टनर है या कुछ मेरे फ्रेंड है जस्ट वही देखें, इसके अलावा कोई और बंदा नहीं देख सकता। लाइक आप फ्यूचर में कोई ऐसा कोर्स बनाने जा रहे हैं जो आप उसको पेड रखते हैं और कोई बंदा अगर वो बाय करना चाहता है देन आप उसकी ईमेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे शेयर प्राइवेटली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप उसको अगर यहाँ पे उसकी ईमेल लिखेंगे, लाइक आपने अपनी ईमेल बनाई थी तो आप लोगों ने उस बंदे की ईमेल यहाँ पे लिखी ठीक है 10@gmail.com, ये आप ईमेल जितनी आप लिखेंगे बहुत सारे के सारे बंदे अपनी ईमेल के थ्रू लॉग इन होंगे देन वो ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो ये प्राइवेट का फायदा है ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिफाई किया ईमेल करेंगे तो ये अब आप उसको बंदे को मेल भी चली जाएगी कि एक वीडियो अपलोड की गई है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो उसको मेल नहीं जाएगी, जस्ट वो जब अपने अकाउंट साइन इन होगा देन वो ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से आप उसको रन कर देंगे। तो आपके पास ये आ गई आपसे प्राइवेटली शेयर विद जस्ट प्रैक्टिस 10@gmail.com ठीक है। तो ये प्राइवेट का फायदा था। अनलिस्टेड का मतलब क्या है कि अनलिस्टेड प्राइवेट में क्या है कि अगर किसी बंदे को इस वीडियो का लिंक जो है जो यूआरएल है वो किसी बंदे को मिल भी जाता है तो वो ये वीडियो देख नहीं सकेगा। जो अनलिस्टेड है इसका मतलब क्या है कि ऐसा बंदा जिसके पास इस वीडियो का लिंक है वो तो देख सकता है इस वीडियो को, लेकिन लिंक नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करने से ये वीडियो सामने नहीं आएगी। कि जिस तरह यहाँ पे अगर आप ऊपर आए तो आपके पास यूआरएल क्या होता है, ये ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ठीक है। इसको अगर ये लिंक में किसी को आप किसी एक बंदे को सेंड किया, अब वो बंदा अगर किसी और बंदे को ये लिंक सेंड कर देता है तो वो नेक्स्ट बंदा जो होगा वो भी इस वीडियो को देख सकेगा इस लिंक पे क्लिक करके। तो अनलिस्टेड और प्राइवेट में ये फर्क है। अगर आप पब्लिक करते हैं तो इट मीन्स के हर बंदा जो है वो इस वीडियो को देख सकता है। मोस्टली हम लोग यूट्यूब पे वीडियो पब्लिक ही रखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर नीचे हम लोग आएंगे तो सेट एज डिस्टेंट प्रीमियर की ऑप्शन आ रही है। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू सेट योर वीडियो एज डिस्टेंट प्रीमियर यू एंड योर व्यूअर्स कैन वॉच इट टुगेदर एट द सेम टाइम। ये क्या होता है कि आपने वीडियो अपलोड की उसको प्रीमियर लगाना है तो देन आपका आप और आपके व्यूअर जो है एट द सेम टाइम वो वीडियो देख सकते हैं। ये जब चैनल आपका ग्रो होने लगा जाता है उसके बाद आप लोग प्रीमियर लगाते हैं, अभी इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक नहीं करना ठीक है। पब्लिक आते हैं देन उसके बाद एक दूसरा जो स्केड्यूल आप लोग कर सकते हैं, लाइक मैंने ये वीडियो अभी अपलोड कर दी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश हो वो आज से दो दिन के बाद हो, तो आप यहाँ पे स्केड्यूल करता हूँ, स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पास स्केड्यूल में जब आप आएंगे तो आपके पास December 30, 2020 आ रहा है। यहाँ पे December 30, 2020 आ रहा है ठीक है। आज जो डेट है वो 29 है, December 29, तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा December 31। अब किस टाइम पे मैंने अपलोड करनी है ये वीडियो, पब्लिश करनी है, अपलोड मैंने करनी पब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि वो दिन के 2 बजे ये जो वीडियो है पब्लिश हो जाए। तो आप नीचे आते रहिए यहाँ पे 2 PM पे क्लिक कर देंगे। अब ये December 31 दिन 2 बजे ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी और हर बंदा इसको देख सकेगा। तो अगर आप स्केड्यूल करेंगे जब तक स्केड्यूल टाइम नहीं आएगा उस वक्त तक ना कोई बंदा प्राइवेटली दे सकता है, ना कोई बंदा अनलिस्टेड के थ्रू ना ही लिंक के थ्रू दे सकता है और ना ही पब्लिक तो होगी ठीक है। तो स्केड्यूल ये होगा कि जब वो टाइम आएगा देन उसके बाद हर जो यूट्यूब का व्यूअर है वो देख सकेगा। इसमें भी है सैटल, ये जब चैनल ग्रो कर देगा तो उसके बाद ये लोग करते हैं, इसलिए ऐसा इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। दैट स्केड्यूल कर देंगे, यहाँ से आप स्केड्यूल करेंगे तो ये वीडियो आपकी स्केड्यूल हो जाएगी। हम लोगों ने क्या करना है, इसको पब्लिक करते हैं तो आप लोग अगेन सेव और पब्लिक पे आए, पब्लिक पे आएंगे इसको पब्लिश कर देना है तो आपकी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो अब उसके बाद जब आपकी ये पब्लिक किया उस पर ये वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, पब्लिश भी हो चुकी है,
अब अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे, आपको ये वीडियो भी नजर आएगी, आपको यहाँ पे साथ साथ नजर आएगी कब पब्लिक हुई थी, फर्स्ट 29 सेकेंड, तो व्यूज कितने हैं, जीरो है अभी तक, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो इतना ज्यादा आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि एकदम से व्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम लगता है, मे बी आपको फर्स्ट मंथ टू मंथ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ऐसा ऐसा अच्छी आपकी प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो थंबनेल, अब ये तो क्योंकि ये थंबनेल थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बना हुआ है, तो अब थंबनेल कैसे बनता है मैं आपको सिंपल से थंबनेल बनाना सिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में आप लोग जस्ट वही थंबनेल ऐसा किसी तरह का थंबनेल बना के अपलोड कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आप लोग सीखते ही रहेंगे। तो जो मेरे ख्याल में सबसे इजिएस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपका कोरल ड्रा है, ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी है सॉफ्टवेयर, लेकिन वो थोड़े से एक्सपर्ट लेवल के, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जहाँ से आपको बना बनाया थंबनेल मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप लोग सीखना स्टार्ट करें तो ज्यादा बेस्ट है। बना बनाया अगर आप लोग अभी जस्ट बना बनाया सीखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोग कभी सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको इसलिए कोरल ड्रा सजेस्ट कर रहा हूँ कि चलो वो भी बिगनर लेवल का है, लेकिन कम से कम आप कुछ सीखेंगे तो कहेगा, तो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करके आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो कोरल ड्रा में बहुत सारे वर्जन है, सबसे इजिएस्ट वर्जन है वो कोरल ड्रा 9 है, जहाँ पे आपको हर चीज जो है इजीली मिल जाती है। तो कोरल ड्रा 9 को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उसको ओपन करते हैं, मेरे पास यहाँ से आपको ये नजर आ रहा होगा, आपसे इसमें क्लिक करता हूँ तो कोरल ड्रा 9 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, न्यू ग्राफिक पे आना है, यहाँ पे क्लिक किया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लाइक मेरी जो यहाँ पे वीडियो थी वो गोल्डन पीसेस से लगी थी, तो मैं यहाँ पे आया, बाकी मैं टैग यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे मैंने फिर गोल्डन पीसेस सर्च किया, तो कुछ जो तीन जो पिक्चर्स है आप लिंक पे आ जाएंगे, तो आप जो तीन पिक्चर जो है वो यहाँ से कुछ अच्छी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर, तो अब यहाँ पे अच्छी पिक्चर मुझे मिल नहीं है, लेकिन चले मैं यहाँ पे बता दूँ लाइक ये एक पिक्चर है जो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अब यहाँ पे इस पिक्चर को ओपन किया है तो आपके पास ये और पिक्चर आ गई है, इसको ओपन कर लें। अब ये गोल्डन पिक्चर तो नहीं है, लेकिन चले इसको मैं डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेव भी गैस और देन यहाँ पे आप लोग सेव कर देंगे, ठीक है, आपके पास ये डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन कॉल ड्रा में आते हैं, आपने फाइल में आते हैं, देन उसके बाद नीचे आएंगे इम्पोर्ट में आएंगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अब जिस भी फोल्डर में वो आपकी इमेज पड़ी हुई है उस फोल्डर में आप लोग जाना है यहाँ पर से, तो मोस्टली डाउनलोड के फोल्डर में ही होती है, तो आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करें, आपके पास जो फर्स्ट इमेज है वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट इमेज यहाँ पे शो आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो इमेज जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, देन इसको यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे तो आपके पास ये इमेज जो है वो आ गई, ठीक है, या आपके पास वो इमेज जो है वो आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या था कि गोल्डन डिस्ट्री हेल्थ को जो है वो सेल करना था, तो आप यहाँ पे अगेन ए पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे लिख लें सेव गोल्डन, बल्कि हम प्रोसीजर बताने थे तो आप 4 ways to सेव, दूसरी लाइन पे अगेन आप लोग लिख लें गोल्डन डिस्ट्री हेल्थ, तो आपके पास ये दो चीजें आ रही, ठीक है, आपने ये दो, आप इसको यहाँ से ये जो आपके पास क्लास लिखा हुआ है यहाँ से इसको उठा कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, देन इसको हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को इसको भी सिलेक्ट किया आप, और देन यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हैं और इसका भी साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देन इसका फाउंट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास फाउंट की ऑप्शन आ गई, यहाँ से आप लोग जो फाउंट बाकी आप लोग वन बाय वन कर सकते हैं, फाउंड ये है कि ये इजीली समझ आ जाता है तो आप लोग ये रखें, देन अगेन यहाँ पे आते हैं ये एरियल ब्लैक का फाउंड है, इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो बड़ा कर लिया, ठीक है, इन दोनों कलर ले रहे हैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले रहे हैं आप लोग, तो देन इसको भी उठा के यहाँ पे ले, तो आप इनको कलर दे सकते हैं, इसको क्लिक करें और देन इसको आप लोग यहाँ पे ये कलर ले रहे हैं, इसको क्लिक करें और देन यहाँ पे इसको ब्लैक कर दें, आपके पास ये एक पिक्चर बन जाए, ठीक है, तो पिक्चर को भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ये साथ साथ जस्ट मैंने यहाँ पे छोटा सा एक डेमो दिया आपको हमने बनाने का, आप लोगों ने क्या करना है यूट्यूब से जाके सीखना है कोरल ड्रा पे वर्किंग कैसे होती है। अब इसको एक इमेज बनाना है आप लोगों ने, तो इसके लिए आप लोग क्या अगेन फाइल पे आएंगे,
और देन एक्सपोर्ट पे आएगी। जब आप लोगों ने इम्पोर्ट नहीं की थी तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन जो है वो अभी क्लिकेबल नहीं थी। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर का नाम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे गोल्डन मिस्री नाम लिखते हैं, देन फाइल ऑफ टाइप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे किस टाइप की फाइल बननी चाहिए, देन यहाँ पे आप फाइल ऑफ टाइप है कि आपके पास जेपीजी है, फिलहाल मुख्तलिफ टाइप है, गिफ है, स्क्रीन से जो होती है, बीएमपी है, तो बाकी टाइप से आपका रहना देना नहीं है। आपको मेरे यहाँ पे जेपीजी पे आ जाना है। बाकी अगर आपका यहाँ पे नजर नहीं आई आप यहाँ पे जा सकते, क्योंकि यहाँ पे गाइड यहाँ पे क्लोज रेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जे को प्रेस करेंगे तो आपका जेपीजी जो है वो सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जेपीजी पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अब जो आप यूट्यूब थंबनेल है उसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो आप लोग गूगल पे लिख के आप लोग लिख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल साइज, तो आपको साइज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं थंबनेल बताता रहता हूँ तो यहाँ जो स्टैंडर्ड साइज है उसका आपकी जो विड्थ है वो 1280 होनी चाहिए और जो हाइट है उसकी वो 720 होनी चाहिए। तो आप लोगों ने 1280 और 720 रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ओके करना है और देन अगेन यहाँ पे ओके कर देना है। अब ये जिस जगह पे शो होगा जिस फोल्डर पे आप लोगों ने इसमें एक्सपोर्ट किया था लाइक यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे एक्सपोर्ट किया था तो आप लोग अगेन यहाँ पे फाइल में आके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर जो फोल्डर है हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, इट मीन्स के डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर ये आपकी पिक्चर जो है बनी होगी। अब हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं तो अब ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आपके पास ये जो पिक्चर है वो बने, ठीक है। फॉर सेल गोल्डन डिस्ट्रिक्ट है। तो अब आपने ये थंबनेल है ये वीडियो अपलोड कर जो आपने पब्लिश की थी उससे पहले बना के रख लेने किसी फोल्डर में। अब क्योंकि ये तो मैं आप बाद में सिखा रहा हूँ, आपने पहले से बना के रख लेने और जब आप लोग अपलोड कर रहे होंगे थंबनेल तो उस वक्त ये जो पिक्चर है वो आप लोगों ने अपलोड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका थंबनेल भी जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब देन उसके बाद आप लोगों ने जो वीडियो बनानी है लाइक आपने मोबाइल से बनाई, अब कहीं पे वो वीडियो एडिट करने की जरूरत पड़ गई तो वो एडिट कैसे करेंगे आप लोग, वो भी जहाँ मैं आपको सिंपल यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ। बाकी एडिट करते हुए भी काफी टाइम लगता है, उसमें काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि जस्ट इस वीडियो में आपको सारा वो समझा नहीं सकूंगा और मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको मैं सारा वो डिटेल के साथ समझाऊंगा। उसे चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि उस वीडियो को समझाते हुए भी आपको घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, जब मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो उसमें काफी टाइम लगता है। यहाँ पे जो मैं बेसिक आपको काम करना बता रहा हूँ यूट्यूब पे आप लोग काम कैसे करेंगे, तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अगर सिंपल मोबाइल से कोई वीडियो बनाते हैं आपको लगता है कि यहाँ पे मैं 10 मिनट की वीडियो बनाई तो उसमें से एक दो मिनट की वीडियो जहाँ पे जो है वो उसमें मुझसे कुछ मिस्टेक होंगी है वो मुझे यहाँ से डिलीट करनी है, तो वो कैसे डिलीट आप लोग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ। अब इसके लिए भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है लेकिन जो मोस्टली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो कैप्टाइजर स्टूडियो है। कैप्टाइजर स्टूडियो वो भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उधर उसके बाद ये यूज भी कर सकते हैं आप लोग। तो कैप्टाइजर स्टूडियो जब आप लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे देन आप लोगों ने आपके वैसे डेस्कटॉप पे भी इसकी जो आइकन है वो आ जाते हैं, आप लोग सर्च कर लेंगे तो आपके पास कैप्टाइजर 9 के नाम से ये आपके पास जो वो सॉफ्टवेयर है वो आ रहा है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसी वीडियो को हम लोग यहाँ पे एडिट करके देखते हैं जो हमारे पास डेस्कटॉप में पड़ी हुई है। तो हम लोग डेस्कटॉप में आते हैं, देन आप लोग यहाँ पे जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज आप यहाँ पे फाइल पे आएंगे और देन इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से आप लोग डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद नीचे आएंगे तो आपके पास ये वीडियो पड़ेगी। अब इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा तो आपके पास ये वीडियो जो है वो सामने शो हो रही है आपको साफ हो रही है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे माउस से उठाएंगे और यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर देंगे, आपके पास ये वीडियो आ चुकी है, ठीक है। अब सपोज किया कि आप यहाँ पे जहाँ पे 35 सेकंड की वीडियो है आप चाहते हैं कि 35 से 45 तक जो वीडियो है वो यहाँ से मैं डिलीट करेंगे तो आप अगर 35 तक आने और देन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो है वो स्प्लिट की है, तो आप अगर यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना। अब ये दो पार्ट की चीज होती है आप देख सकते हैं। अब देन आप यहाँ पे अगेन इसको स्टार्टिंग में लिए 45 पे आए तो ये तो मैं जैसे आपको डेमो दे रहा हूँ ना, आपने साथ साथ सुन के देखना है कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, वहां से जाते आपने स्प्लिट कर देंगे। आप सपोज किया कि हम यहाँ से स्प्लिट कर जाते हैं तो आप यहाँ पे आके
इसको स्प्लिट कर देंगे तो आपके पास ये तीन पार्ट्स बन गए, ये भी है और ये भी है और ये भी। आप इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देन यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब ये पार्ट जो है आपका वो डिलीट हो चुका है, अब इसको अगेन जोड़ देंगे तो आपका ये वो जो बीच में पार्ट था वो आपका यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो वीडियो है आप उसको एडिट कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे और फीचर्स है जो कि आप यहाँ पर आपको बता नहीं सकता, वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ला देता हूँ। और दूसरा मैं इसको भी एक और चीज आपको बता देता हूँ, अगर आपने कुछ लिखना है तो आप एनोटेशन में आके यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एबीसी आप लोग कुछ लिख लें सब्सक्राइब, देन आप जो भी आपकी वीडियो की विरासत से आप यहाँ पे लिखना बनता है वो आप लोग लिखेंगे। देन आपने वीडियो में देखा होगा थोड़े बहुत वहां पे कुछ ट्रांजिशन शो हो रही होती है, तो वो आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे यहाँ से आप देखें तो आपके पास ये ट्रांजिशन शो भी हो रही है, किस तरह पे यहाँ रहेगा आज ये अच्छा शो हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास बॉक्सिस से बने हुए हैं, उसके बाद ये शो हो रहा है। अब यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे आके, अब ये जब ड्राप होगा ये हमेशा आपकी जहां पे स्प्लिट हुई है वीडियो वहां पे ही ड्राप होगा। लाइक आपने अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने आफ्टर 2 मिनट्स 10 सेकंड के यहाँ पे आपने वो जो ट्रांजिशन है वो ऐड कर दिया, तो यहाँ से आप इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इस पे यहाँ स्प्लिट कर देंगे तो आपके पास ये दो पार्ट्स भी हो गया है, दोनों को जोड़ दें और देन यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे आपने ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये जो ट्रांजिशन है वो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे आपके पास वो ट्रांजिशन जो है वो शो हो जाए। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन इतनी हाथ शो नहीं हुई, मैं आपको और दिखा दूँ आपको, तो ऊपर आते हैं इस ट्रांजिशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये मेरी कुछ ये जब वीडियो बनाते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छी शो हो जाती है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है समथिंग वो ट्रांजिशन उतना शो नहीं हो पाती, यहाँ पे गेन हम लोग दे देते हैं मेरी यहाँ शो हो गई, तो ये अब आपकी ट्रांजिशन जो है वो शो हो गई। तो इससे आप लोग ट्रांजिशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो एडिटिंग कैसे होगी ये भी थोड़ा बहुत आपका हो गया कि वीडियो एडिटिंग क्या होगी। देन उसके बाद आपको कहा था कि हम लोग सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए आपको ये जो वीडियो जो आप लोगों ने बनाई है, एक तो आप लोगों ने जो वीडियो बनाई है बहुत अच्छी होती है ताकि आपकी जो वीडियो बंदा देखे वो सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, उसे लगे कि यहाँ पे मुझे चैनल पर कुछ ना कुछ मिलेगा इसलिए वो सब्सक्राइब कर ले। देन उसके अलावा जो सब्सक्राइबर इंक्रीज करने में मदद करता है वो ये है कि आप एक तो वीडियो में बोलेंगे भी कि हमारे में सब्सक्राइब करें, सब है भी हर वीडियो में स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आई है और उसको सब्सक्राइब कर लें, तो सम टाइम जो हमारे यूजर जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो देखे होते हैं उनके जहन में ये नहीं होता कि हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो चैनल बोलने तक ग्रो कर चुके हैं इवन के वो भी बार बार कह रहे होते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये एक आदि होती है जो कि आपको बतानी पड़ती है। इसके अलावा आप फेसबुक या मुख्य सोशल मीडिया है वहां पे आप लोग शेयर करके वीडियो वहां से आप लोग वहां पे भी व्यूज आ सकते हैं। अब जिन फेसबुक ग्रुप्स पे आप लोगों ने सेंड करनी है वो ग्रुप्स आप लोगों ने ऐसे ज्वाइन करने हैं जहाँ पे आपके चैनल से रिलेटेड ही वीडियो या वहां पे गपशप हो रही हो, तो फिर वहां पे लोग जो है वो आपकी वीडियो में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा व्यूज लाने के लिए आपको एक थंबनेल जो है वो अच्छा बनाना पड़ेगा कि थंबनेल ऐसा हो कि जैसे ही ये थंबनेल बना हुआ है कि अब जिसको भी गोल्डन मिस्ट्री जो है वो सेल करनी पड़ेगी वो देखेगा कि चार तरीके बताए जा रहे हैं, तो मे भी कोई एक तरीका हमारे काम का हो। इसके अलावा आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ और भी थंबनेल देखे होंगे, जैसे थंबनेल ऐसे होते हैं जो बंदा लाजमी क्लिक करता है, कहता है यार चलो देख ही ले, ऐसा एक थंबनेल हो जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, जब वो क्लिकेबल वीडियो होगी तो देन वहां पे व्यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं। इसके अलावा बहुत से और आपके पास यहाँ पे टिप्स हैं जो कि वीडियो मेरे पास पड़ी भी हुई है चैनल में, आप लोग सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोस आप लोग वन बाय वन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वो सारी से डिटेल के साथ नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी तकरीबन घंटे की बन चुकी है, मैंने वैसे 30-40 मिनट्स तक कहा था, लेकिन जस्ट क्योंकि आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी थी और साथ साथ लेकर चलना था, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो लंबी बना ली, तरह है एक प्रॉब्लम अगर लंबी भी बन जाती है लेकिन आपके काम आ जाए और एक बिगिनर लेवल का बंदा अगर यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये मुफीद साबित हो जाएगी। अब जैसे उसके बाद आते हैं कि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज कैसे होगा। अब मोनेटाइज का मतलब क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता वो ये है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इट मीन्स आपकी वीडियो पे एड आना स्टार्ट हो जाएगी।
एड आएंगे तो अब वहां पे जितने भी एड आपके आएंगे उसके मुताबिक आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे YouTube पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कब आएगी, अगर आप लोग यहाँ पे YouTube बीटा स्टूडियो में ही आते हैं, नीचे आप लोग आएंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है कॉपीराइट की ऑप्शन है और देन मोनेटाइजेशन की ऑप्शन है। मोनेटाइजेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे आए तो आपके पास यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट जो है इनकी मोनेटाइजेशन के लिए वो लिखी हुई है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर जो है वो रिक्वायर्ड है और 4000 वॉच टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों आपके फुलफिल होने चाहिए, देन उसके बाद आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और देन आपका जो हावर टाइम है वो आपका 4000 हो जाएगा, देन आप लोग यहाँ पे नोटिफाइड ईमेल आई एम एलिजिबल, तो यहाँ पे आपके पास वो जो ऑप्शन है आ जाएगी कि आप लोग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप लोग अप्लाई करेंगे और आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। अब चैनल मोनेटाइज होने के बाद उसके बाद आप लोगों की जो अर्निंग है वो शो कहाँ पे होगी वो आप लोगों ने देखते हैं। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग आते हैं मैं गूगल एक्सेल लिखेंगे आप लोग इस, तो गूगल एक्सेल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बस कही आप लोग यहाँ पे ये आपके पास गूगल एक्सेल आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लें। देन यहां से आप लोग गेट स्टार्ट करेंगे तो आप क्योंकि आपका अकाउंट जो है पहले से ओपन है तो आपका यहाँ पे ऐसे दोबारा साइन इन होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योर वेबसाइट यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, अब यहाँ पे यूआरएल कहाँ से आपके पास आएगी, आप लोग यूट्यूब पे आएंगे ओपन किया, अब देन यहाँ पे पास ये आइकन शो हो रहा है आपके चैनल का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद योर चैनल। अब सपोज किया कि आपके पास क्योंकि आप यहाँ पे ना आपका चैनल जो है वो अगर शो नहीं हो रहा तो आप लोगों के नेक्स्ट अकाउंट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके पास कितने चैनल है। अगर आप लोगों ने एक चैनल बनाए हुए फिर आपके पास समटाइम स्विच करना पड़ता है, तो आपके पास अभी फिलहाल एक चैनल है तो यहाँ पे जस्ट एक ही चैनल है तो इसपे आप क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे जस्ट आप अब इस चैनल पे जाने के लिए आप लोग योर चैनल पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये जो ऊपर यूआरएल आ रहा है ये आपका चैनल लिंक है, इसको आप कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कर लें या फिर आप यहाँ से कॉपी कर लें जिससे आपको बेहतर लगता है, और यहाँ पे आप आके एक्शन में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो आपके पास ये आपकी यूआरएल ऑफ योर साइट हो जाएगी। देन ईमेल एड्रेस ये पूछ रहे हैं आपने, तो आपके पास जस्ट प्रैक्टिस 1@gmail.com ये आपकी ईमेल एड्रेस है। देन उसके बाद यहाँ पे गेट हेल्पफुल एक्सेल इन्फो एट दैट ईमेल एड्रेस, तो ये पूछ रहा है कि आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिलहाल आप यस करें नो कर दें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। यस करें और आपके पास बार बार मेल्स आएगी कि हम लोगों ने ये अपडेट कर दिया या फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होगी तो जैसे आप बेहतर समझते मैं फिलहाल नो ही कर रहा हूँ। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इन यूट्यूब यूज डिफरेंट यूआरएल। ठीक है, आप ये अब ये इसको पता लगा कि आपने जो यहाँ पे यूआरएल लिखी है वो यूट्यूब से लिखी है तो कंटिन्यू यूट्यूब कर देंगे आप। अब यहाँ पे ये आपसे देख रहा है कि आपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बेसिक्स, तो यहाँ पे जो बेसिक्स होंगे वो आप यहाँ पूछेगा, बाकी है कि आपका एक्सेल अकाउंट जो है इस तरह बन जाएगा। देन जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका जो एक्सेल अकाउंट भी बना हुआ है तो एक्सेल अकाउंट में आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट करेगी, जिससे आप यहाँ पे शो भी होनी है। ठीक है, तो ये सारे काम अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक चीजें ही बताई हैं, आप एक्सेल में भी बहुत सारी और चीजें हैं जो कि देखने वाली होती हैं, लेकिन क्योंकि आप जस्ट मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि किस तरह बेसिक लेवल पे आप लोग देख के चलेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी, यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। बाकी कोई और चीज आप लोगों ने सीखनी हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग वो चीज कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से हो सकती है, तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी मुख्तलिफ वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करके इंशाल्लाह आपकी जितनी हेल्प हो सकी वो मैं लाभ भी करूंगा। तो एक चीज जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग प्ले लिस्ट बनाना सीखेंगे वो रह गई है, तो हम लोग यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाना सीख लेते हैं। जो चैनल हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे आप आए तो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट की जो ऑप्शन है वो नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन अब यहाँ पे दिस चैनल हैज नो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट कैसे बनेगी आपकी, यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे आएंगे आप लोग, इट मीन की यूट्यूब बीटा स्टूडियो में ही अगेन आप लोगों ने आना है। देन यहाँ पे आपके पास प्लेलिस्ट की ऑप्शन आ रही है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे
प्लेलिस्ट कोई भी नहीं है, यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, प्लेलिस्ट का कोई भी टाइटल रखते हैं आप लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग मिस्री पब्लिक रख रहे हैं, हम लोगों ने पब्लिक रख ली, बाकी अनलिस्टेड और प्राइवेट मैं आपको बता दूंगा क्या क्या फर्क है, प्राइवेट क्रिएट कर दें इसको, हाँ तो पास ये प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। प्लेलिस्ट का फायदा क्या होता है कि आप एक ही इस तरह की आपके पास प्लेलिस्ट जो होनी होगी, यहाँ पे आप डिफरेंट वीडियो जो है मोर देन वन वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे ये जो आपके पास एडिटिंग यूट्यूब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो जितनी भी वीडियो आपके पास यहाँ पे होंगी योर YouTube वीडियोस यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास जितनी भी अपलोडेड वीडियो होगी वो सारी सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे जस्ट एक शो होगी ऐड वीडियो कर देंगे तो आपके यहाँ पे एक वीडियो जो है वो शो हो गई। अब हम यहाँ पे क्योंकि आपको बताया कि मल्टीपल वीडियो हम ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल है एक ही वीडियो हम लोग दूसरी वीडियो किसी और बंदे की ऐड कर लेते हैं, ऐड वीडियो देन वीडियो सर्च यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं गोल्डन किसी से लेकर, तो आपके पास क्लोज करते हैं। अब ये हमारे पास जो प्ले लिस्ट थी इसको हम लोग जैसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये जो प्ले लिस्ट थी इसमें आपके पास ये आपको छोटा सा तो लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, इसमें दो वीडियो है हमारे पास, इसको हम अगर यहाँ पे चलाते हैं तो आपके पास ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें दोनों वीडियो के अगर शो हो रही है। इसका फायदा क्या है कि आपकी जैसे ही पहली वीडियो जो है वो खत्म होगी, यहाँ पे हमने ये खत्म किया इसको, अब ये आपके पास जो है ना जो हमने एंड पे वो हम लोगों ने सजेस्टेड वीडियोज का कहा था जो एंड वीडियोज थी वो यहाँ पे आपको देखे आपकी शो भी होगी, ये वीडियो एक अनअवेलेबल क्योंकि अभी क्योंकि दूसरी वीडियो हम लोगों ने एड ही नहीं की, तो ये आपके पास चैनल का जो सब्सक्राइब करने के ऑप्शन है वो भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये वीडियो हमारी खत्म होगी दूसरी वीडियो ऑटोमेटिकली खुद से चल पड़ेगी, अब ये वीडियो जैसे ही खत्म होती है दूसरी वीडियो चल पड़ेगी, दूसरी वीडियो ऑटोमेटिकली हमारी ही प्लेलिस्ट में जो ऐड की हुई है वही चल पड़ेगी। अब क्योंकि दूसरी वीडियो हमने ऐड की वो किसी की थी और उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब ये ऐड जो है ये शो हो रहा है, ठीक है। इस ऐड के हमें पैसे मिलते हैं, यहाँ इसकी ऐड करेंगे वो वीडियो जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह आप प्लेलिस्ट स्टार्टिंग में किसी और की वीडियो का भी बना सकते हैं, ये ऐसा चोरी नहीं होगी क्योंकि अब देखिए ऐड शो हुआ, अब जो ऐड हुआ ये इसकी इसका जो पैसे है वो उसी बंदे को मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। जहां इससे होगा कि ये कि आपकी ये जो सीखने वाला काम है वो आप सीख लेंगे कि प्लेलिस्ट बनाते कैसे, जैसे जैसे आप लोग वीडियो अपलोड करते रहे फिर आप लोग प्लेलिस्ट जो बनाएंगे उसमें अपनी वीडियो भी आप लोगों ने डालनी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, बाकी बहुत लोग कह चुका हूँ कि आप लोग कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो काफी काम आएगी, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पॉइंट समझा हुआ है तो आप यूट्यूब से अर्निंग आप लोग कर सकते हैं, इस पर अमल करेंगे। अब आपकी मेहनत पे है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों ने की होती है, आप ये घंटे दो घंटे की वीडियो बनाई है उसके बाद इसको एडिट करना, देन इसमें इसका थंबनेल बनाना, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग ढूंढना, टाइटल लिखना, तो ये कम से कम आपका 8-10 घंटे का काम हो जाता है। तो अगर आप लाइक ना करें तो फिर थोड़ा सा दुख होता है, तो थोड़ा सा इंकरेज कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कॉमेंट्स में अप्रिशिएट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो मेरे आइकन आएगा उस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर देंगे, जो भी न्यू वीडियो में अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो उसका फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्य बिजनेस से रिलेटेड आप वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जस्ट यूट्यूब का बिजनेस था कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा भी ऑनलाइन अर्निंग के मुख्य वेज है जहाँ जो मैं आपको साधा सिखाता रहूंगा, ऑफलाइन अर्निंग कैसे आप लोगों ने करनी है वो भी साधा आपको सिखाता रहूंगा। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में जो लोग मुख्तलिफ बिजनेस कर रहे हैं उनके इंटरव्यू भी स्टार्ट करूंगा, तो वहां से भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।